आज की वीडियो में हम बनाएंगे इंस्टेंट लेमनेड पाउडर, जिसकी मदद से आप इजीली बहुत कम समय में नींबू का पानी बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एशियन तड़का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस पाउडर को बनाने के लिए हम कुछ नींबू का रस निकाल कर रख लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ कुल 3 नींबूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि मुझे 3 नींबूओं से लगभग 1 कटोरी रस प्राप्त हुआ है। यहाँ मैं कटोरी का इस्तेमाल मापने अर्थात मेजरमेंट के रूप में कर रही हूँ, यानी कि अगर नींबू पानी के पाउडर में हम 1 कटोरी नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1.5 गुना यानी कि 1 और आधा चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसे 3 दिन के लिए पंखे की तेज हवा में सूखने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे आप इसे सुखाने के लिए सूरज की गर्मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी चीनी पिघल जाएगी और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। दूसरी प्रिकॉशन आपको यहाँ लेनी है कि आप इस रेसिपी के अंदर बूरा या फिर पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसमें सिर्फ रेगुलर चीनी या मोटी चीनी या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाते समय आपको एक प्रिकॉशन और लेना होगा, वो है इस मिक्सर को अकेले छोड़ देना। हाँ जी, अकेले छोड़ देना। यदि आप इस मिक्सर को बार बार चम्मच से कुरे देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके पीछे एक रीज़न ये है, आपका जो लेमन जूस है वो पूरा प्लेट के ऊपर आ जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मेरा लेमनेड पाउडर अच्छे से नहीं बना। तो आप इसे शांति से सूखने देंगे बिना इसको छेड़े। पूरे 3 दिन बाद अब यह सूख कर ऐसा दिखने लगा है, जिसे मिक्सर की सहायता से हम पीस लेंगे और हमारा लेमनेड पाउडर अब तैयार हो चुका है। आप इसे पूरे 6 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि पूरी गर्मियां, और जब चाहें आप नींबू पानी पी सकते हैं, वो भी 2 मिनट में। ना तो आपको चीनी घोलने में समय लगेगा, ना ही नींबू निचोड़ने में। और तो और, अगर घर पर नींबू ना भी हो तब भी आप नींबू पानी पी सकते हैं। है ना ये इतना आसान और पूरी गर्मियों का साथी नींबू पानी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय।